हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिटनेस रॉकर्स पे। दोस्तों, पिछली जो मैंने वीडियो की थी कि विटामिन डी की कमी एकदम से क्यों होने लगी है, उसमें लोगों की बहुत सारी फरमाइशें हैं कि सन बाथ के ऊपर भी एक वीडियो बनाइए कि सन बाथ बेसिकली लिया कैसे जाए। हमें लगता है कि हम धूप में तो घूमते हैं फिर भी विटामिन डी जो है हमारी बॉडी में कम हो रहा है, तो उसमें एक्चुअली सन बाथ की पूरी साइंटिफिक टेक्निक है किस तरह से सन बाथ लेना चाहिए जिससे कि आपको विटामिन डी का इशू ना हो। बट इससे पहले जो पहले वाली वीडियो है कि विटामिन डी के इश्यूज के जो कारण आजकल एकदम से कि हर दूसरे बंदे को ही विटामिन डी का इशू होने लगा है, तो उसको जानने के लिए वो वीडियो जरूर देखें। आज दोस्तों मैं भीमताल में हूँ, पिछले 3 दिन से यहाँ पे एक योगा रिट्रीट चल रहा था। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की सराउंडिंग जहाँ मैं रह रहा हूँ, बहुत ही अच्छी जगह थी। यहाँ मैंने 2-3 दिन सन बाथ अच्छे से लिया, तो मैं लगा कि आपको भी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, और काफी लोग इस बात की डिमांड काफी टाइम से कर भी रहे थे। तो आप ये जान लीजिए कि जो सनबाथ होता है ये भी 2-3 तरीके का होता है। जो आज मैं बताने जा रहा हूं वो सनबाथ है जो आप रोज ले सकते हैं, जिसे आपको रोज लेना चाहिए। ये स्मॉल टाइप का आपका सनबाथ रहता है जो हम रोज लेना चाहिए सूर्य स्नान। उसके जो बेनिफिट्स हैं वो विटामिन डी विटामिन ए की जो हमें कमी हो जाती है उसको पूरा करने के लिए, और जो बाकी कई स्किन डिजीज रहती हैं उसमें आपको काफी ज्यादा काम करेगा, कैंसर में या फिर टीबी वगैरह में काफी लाभप्रद होता है, काफी बेनिफिशियल रहता है। एक दूसरे तरीके का होता है, उसका पर्पस होता है पसीना निकालना, विजातीय द्रव निकालना, यानी कि जो फॉरेन एलिमेंट्स हमारी बॉडी में है उसको निकालना, डिटॉक्स करना। सूर्य डिटॉक्स करता है, बहुत बड़ा डिटॉक्स करता है, तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए उसकी जो टेक्निक है वो टोटली अलग है। उसके बहुत सारे मेजर पॉइंट्स हैं, वो मैं अगली वीडियो के अंदर कवर करूंगा। तो हम बात आज जो करेंगे वो लघु सूर्य स्नान की करेंगे, यानी जो रोज लेना चाहिए, जिसको आप रोज कर सकते हैं। देखिए, इसकी बहुत ज्यादा टेक्निक जो हमें रोज करना चाहिए उसकी नहीं है, बस आप ये जान लें कि जो सूर्य काल होता है, जो सूर्य काल होता है, जो आपका अखबार में लिखा आता है सुबह 4 बजे सूर्य उदय है, तो वो जो टाइम है उसके आधे से 1 घंटे के अंदर उसे करना होता है। समझिए, अगर 5:30 बजे का टाइम है आज का सूर्य उदय का, तो 6:30 बजे तक कर लें उसको। तो सुबह जो सूर्य उदय का टाइम जो फिक्स है आज का या उस पर्टिकुलर पीरियड का, उसमें आधे से 1 घंटे के बीच में उसको कर लें। अब करना कितनी देर है वो एक डिपेंड करता है सर्दियों और गर्मियों पर। अगर गर्मियों का टाइम है तो आप 10 से 15 मिनट करें, उससे ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। और अगर यही सर्दियां हैं तो आप 20 से 30 मिनट तक उसको करें तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और एक बात जान ले कि ये नहीं कि आप अच्छे से कपड़े वगैरह पहन के उसको कर रहे हैं, थोड़ा सा कपड़े को कम करना पड़ता है। अगर हो सके तो कम से कम कपड़े पहने, लड़के वगैरह हैं तो वो सिर्फ एक अपना जांघिया वगैरह पहनकर या फिर अपना जो अंडरवियर पहनकर अपना धूप वगैरह ले लें, और वो भी अगर दिक्कत है तो बहुत पतले कपड़े, यानी कि जो जालीदार कपड़े होते हैं वो, और यही फीमेल्स के लिए भी है, तो आप पहने लेकिन सूती कपड़ा पहने जिसकी जो जालीदार हो। सुबह के टाइम में मैं मानता हूं कि आप इस तरह कपड़े पहनकर अपनी छत वगैरह पे जा सकते हैं और धूप का आनंद ले सकते हैं, विटामिन ई ए और डी की तो कमी होने से रही। दूसरी बात है कि खाली पेट इसको करें, सुबह उठ के खाली पेट ही इसको करें। तो आप जाएं और अगर आप खेतों में हैं, कहीं ऐसी जगह पे, सुंदर जगह पे हैं जहाँ पे नदी वगैरह है, उसके आसपास करते हैं तो इसके जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स होते हैं वो काफी बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं जब यहाँ आया तो मैंने एक भी दिन नहीं जाने दिया, हर दिन मैंने सन बाथ लिया है। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं तो मैंने अपनी वहां पर फोटोज भी डाली हैं सन में खड़े हुए, आप उसको पहले फॉलो कर लें, उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं यूट्यूब पर नहीं दे पाता, वो वहां आपको मिल जाएगी। अब एक और बात यहां मैं भूल गया बताना आपको, उसमें क्या है कि जब आप अगर घर में बैठे हैं तो क्या होता है, घर में भी धूप आते हैं, तो लोग सोचते हैं घर में बैठे बैठे धूप ले लें, बट ऐसा नहीं है। आप घर में बैठे बैठे धूप लेते हैं, आप खिड़कियां बंद रखते हैं, तो जब भी धूप लें तो कांच से गुजरी हुई नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि कांच लगा हुआ तो कांच से अंदर आ रही है तो आप सोचेंगे कि उसकी कोई आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, कांच के थ्रू नहीं, आप सीधा डायरेक्ट सनलाइट लें। और जो मैंने ड्यूरेशन बताई और जो टाइम बताया उसका ध्यान रखें, रोज लें, बहुत सारी बीमारियों से आप पहले ही छुटकारा पा लेंगे। दूसरी एक और चीज ध्यान दें कि जो धूप पड़े वो आपके पेट वाले हिस्से पर ज्यादा पड़े और चेस्ट वाले पे और फेस पर पड़े, जो सुबह वाली धूप है उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। सूर्य की तरफ मुंह करके आप सूर्य नमस्कार करें, उससे बेहतर कुछ है ही नहीं। एक बार आप ऊपर हाथ करते हैं तो आपका पेट और चेस्ट पूरा खुलता है, आपके फेस पे लगती है, देन आप झुकते हैं तो आपकी कमर पे लगती है। तो एक तरह से जो सूर्य नमस्कार डिजाइन किया गया, जिन्होंने भी डिजाइन किया था, बहुत सोच समझ के किया है, जिससे कि आप जो सूर्य नमस्कार करें तो आपकी पूरी बॉडी पर सूर्य की किरणें पड़े, आप उससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सके। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, जितने भी मैंने आपको अभी टिप्स बताए उनको फॉलो करना है, उनको फॉलो
करना शुरू करें तो बहुत सी बीमारियों से आप वैसे ही छुटकारा पा लेंगे। इन चीजों का ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें, और इसको ऐसे ही बस सुन के ना छोड़ दें, इससे कोई फायदा नहीं होगा। और सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, क्योंकि मैं एक और नई वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर बताऊंगा कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाली हमारे सूर्य बात होता है, जो सन बात होता है, जो कि पसीना निकालने के लिए होता है, उसका पर्पस होता है पसीना निकालना, विजातीय द्रव निकालना, यानी कि जो फॉरेन एलिमेंट्स हमारी बॉडी में है उसको निकालना, डिटॉक्स करना। ये उसकी जो टेक्निक है वो टोटली अलग है, उसके बहुत सारे मेजर पॉइंट्स हैं, वो मैं अगली वीडियो के अंदर कवर करूंगा। तो बने रहे मेरे साथ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए, एंड लेट द फिटनेस रॉक।